बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। चंद्रमा फिर दर्द से कराह उठेगा, ग्रहण उसे दबोचेगा और वो अंधेरे में दुबक जाएगा। चांद का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा उस पर बात करें। उससे पहले आपको बताते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण राशियों पर क्या असर डालेगा। मेष राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संपत्ति संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ग्रहण के दौरान शिव जी की उपासना करें। वृष राशि वाले स्वास्थ्य और व्यवसाय का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी रखें। ग्रहण काल में कृष्ण जी की उपासना करें। मिथुन राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। ग्रहण काल में बजरंग बाण का पाठ करें। कर्क राशि, परिवार में समस्या हो सकती है, संतान और शिक्षा में समस्या के योग हैं। ग्रहण काल में चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। सिंह राशि वाले स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, पारिवारिक और संपत्ति के विवादों से बचें। ग्रहण काल में यथाशक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि वालों को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। ग्रहण काल में राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें। तुला राशि वालों को करियर में अचानक समस्याएं आ सकती हैं, पारिवारिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। ग्रहण काल में दुर्गा कवच का पाठ करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अपयश और विवाद की संभावना बन सकती है, मूत्र विकार और धन हानि से बचाव करें। ग्रहण काल के दौरान चंद्रमा के मंत्र का जप करें। धनु राशि वाले दुर्घटनाओं से अपना बचाव करें, नौकरी और करियर में संकट आ सकता है। ग्रहण काल में शिव जी के मंत्र का जाप करें। मकर राशि वालों को धन लाभ का योग है, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। ग्रहण काल में हनुमान बाहुक का पाठ करें। कुंभ राशि वालों को करियर में मनचाही सफलता मिल सकती है, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। ग्रहण काल में शिव जी की उपासना करें। मीन राशि वाले अनावश्यक अपयश के शिकार हो सकते हैं, पेट और कारोबार की समस्याएं आ सकती हैं। ग्रहण काल में श्री कृष्ण की उपासना करें। वैसे सामान्य तौर पर यह प्रचलन में है कि जैसे ही कोई ग्रहण खत्म होता है तो कुछ उपाय करने होते हैं, उसी प्रकार चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण काल के बाद स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर पूजा करें। किसी निर्धन को सफेद वस्तुओं का दान करें। यह कार्य ग्रहण समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर कर लेना उत्तम होता है। वैसे ही ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको करने से ग्रहण का असर आप पर कम पड़ेगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव के समक्ष बैठें। एक घी का दीपक जलाएं और शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद या तो शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करें, पूजा के उपरांत शिव जी से कृपा की प्रार्थना भी करें। तो अलग अलग राशियों के लिए ग्रहण अच्छा भी है और बुरा भी है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि ग्रहण काल में पूजा उपासना की जाती है और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तुओं का दान किया जाता है, ताकि जो ग्रहण का इल इफेक्ट है, ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है, वो पूरी तौर से समाप्त हो सके। ग्रहण का असर सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी, लेकिन जो भी होता है वो एकदम अचानक होता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये एक खगोलीय घटना है। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही, वक्त एक ब्रेक का होगा।